बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं और साथ में मम्मियों की टेंशन भी। समझ में नहीं आता है कि उनके लंच बॉक्स में हम क्या दें। अगर हम ऐसे वैसे चीज़ें दे देते हैं तो वो लंच बॉक्स यूं ही रिटर्न करके लाते हैं। तो आज मैं बच्चों को ही देखते हुए एक सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बच्चे भी खा करके खुश रहेंगे और मम्मियों के लिए बनाना भी ईजी है और साथ में ही हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें हम 2 स्पून ऑयल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसे थोड़ी सी चटकने देंगे, और 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी थोड़ी सी चटकने देंगे। इसको चला लेते हैं। और अब इसमें हम एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे। देखिए इसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके लिया है और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। तो देखिए प्याज भून गया है, बस इतना ही हमें इसको कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ा मसाला डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे हमने हरी मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। और अब इसे हम चला लेंगे। तो मसाला भूनते हुए हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। तो देखिए बस 1 मिनट के लिए हमें मसाले को भूनना है। तो मसाला हमारा भून गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पनीर मैंने 200 ग्राम लिया है, देखिए बिल्कुल फ्रेश पनीर है। तो अभी से हम क्या करेंगे, जो मोटे वाले ग्रेटर होते हैं ना, उससे हम ग्रेट करके डालेंगे। तो देखिए ये मोटी वाली है और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो यूं ही तोड़ करके इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रेट करके डालते हैं ना तो इक्वली होता है। तो देखिए इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए सभी पनीर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो पहले ही ग्रेट करके और रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिए की पत्ती, तो देखिए इसे हमने ऐड कर दिया। और अब इसे हम चला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के टिफिन के लिए। आप इनको इस तरह से बना करके पराठे के साथ, फुलके के साथ, पूड़ी के साथ बच्चों को दे सकते हैं। तो देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर, यहाँ पे मैंने चॉप करके लिया है, इसे डाल देंगे। और साथ में ही गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो देखिए हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया। अब इसे हम चला लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम हाई करेंगे और सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए इसे कुक करना है। फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे क्योंकि पनीर और टोमेटो दोनों जो चीज़ हैं पानी रिलीज करता है,
तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे और ढक देंगे एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्लेम को हाई करके इसे कुक कर लिया है। तो एक मिनट के लिए ही हमें करना था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो टमाटर ना उसमें मैसी सी हो जाएगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ऊपर से धनिया के पत्ते डाल के, और अब इसे हम सर्व करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पनीर की भुर्जी रेडी है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसे बनाएंगे, चाहे आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, आप सफ़र में जा रहे हैं वहाँ बनाइए, लंच बॉक्स में दीजिए, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, पूरी फैमिली को पसंद आता है। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों के हेल्पफुल हो तो आप लोग मेरे रेसिपी को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इंजॉय कीजिए, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।